आज हमें पढ़ना है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। हम इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स पुरानी वीडियो से रिवाइज कर चुके हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को करना वाले बहुत आसान है क्योंकि हम ऑलरेडी इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ चुके हैं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में करे हैं वही सेम कॉन्सेप्ट्स इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में भी है। बेसिक एंट्री बिल्कुल सेम, सिर्फ शेयर कैपिटल की जगह पर डिवेंचर प्लेस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, जिससे हमारे काफी हद तक प्रीवियस कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है हमारे पास। तो एक्स लिमिटेड इश्यू 10,012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, पेबल ₹40 ऑन एप्लीकेशन एंड 60 ऑन अलॉटमेंट। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 डिवेंचर्स। देखो, हमने 10,000 डिवेंचर्स इश्यू किए थे लेकिन पब्लिक 14,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई कर रही है, तो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब क्या किया हमने, एप्लीकेशंस फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल एंड एप्लीकेशंस फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर्स एंड द रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। अब बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने एक ही लाइन में, तो देखो जरा थोड़ा सा इसको मैं आसान कर देती हूँ आपके लिए। आप यहाँ पे इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, डिवेंचर्स अप्लाइड, डिवेंचर्स अलॉटेड। किस तरीके से अलॉटमेंट चल रहा है, पहले उन्होंने बोला कि हमारे पास टोटल अप्लाइड डिवेंचर्स है 14,000, जबकि हम अलॉट सिर्फ कितना कर सकते हैं 10,000, क्योंकि हमने इश्यू सिर्फ 10,000 डिवेंचर्स ही किए हैं। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन उन्होंने क्या बोली है, एप्लीकेशंस फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, यानी कि 9,000 एप्लीकेशन को उन्होंने पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पूरे के पूरे डिवेंचर्स दे दिए हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर। उसके अलावा हमारे पास 2,000 एप्लीकेंट्स थे, उनको हमने 1,000 डिवेंचर्स अलॉट करके एडजस्ट कर दिया एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, और बची हुई एप्लीकेशन को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब देखो, बची हुई एप्लीकेशन आपके पास है कितनी, आपके पास टोटल 14,000 एप्लीकेशन थी जिसमें से आपने 11,000 एप्लीकेशन को एडजस्ट कर दिया है, तो आपके पास रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी बची, 3,000, क्योंकि 14,000 में से 11,000 माइनस करोगे तो 3,000 बचेगा। और देखो, आप डिवेंचर दे भी नहीं सकते थे क्योंकि आप ऑलरेडी 10,000 डिवेंचर्स दे चुके हो। अब यहाँ पे आप दो कॉलम और बना सकते हो, एक्सेस और रिजेक्शन के। भाई यहाँ पे तो ना एक्सेस था ना रिजेक्शन था, यहाँ पर 1,000 डिवेंचर्स का पैसा ₹40 के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा है, ये रुपीज में है, ये दोनों शेयर्स में है तो ये दोनों रुपीज में है। यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा क्यों, क्योंकि यहां आपने लगाया है प्रोरेटा, और यहां पर ये जो 3,000 एप्लीकेशन थी, क्योंकि आपने इन्हें कुछ भी नहीं दिया तो आपने जो इनका एप्लीकेशन का पैसा रखा हुआ है अपने पास 1,20,000, वो आपको करना पड़ेगा वापस। क्या हमने भाई 1,000 एप्लीकेशन हमारे पास एक्स्ट्रा थी तो वो हमने एक्सेस में डाल दिया, यहां हमने उनको कुछ दिया ही नहीं तो ये पैसा हमने रिजेक्शन में डाल दिया है। अब हमें करनी है इसकी जर्नल एंट्री, तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की, तो फर्स्ट एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जहां हम शेयर एप्लीकेशन लिखा करते थे अब उसकी प्लेस पे हमें क्या लिखना है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपके पास टोटल 14,000 एप्लीकेशन आई थी और एक और एप्लीकेशन पे आप लेते हो ₹40, ठीक है, तो ये आ गए आपके 5,60,000 रुपए। अब सेकेंड एंट्री को हमें ध्यान से देखना है, सेकेंड एंट्री क्या है हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर, देखो जो लिखा है ना कि 12% डिबेंचर, ये नाम होता है डिबेंचर का, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसके नेम के आगे प्रीफिक्स होता है, तो ये नहीं कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पर भी निकालना है, जब इंटरेस्ट की बारी आएगी तो वो भी निकालेंगे, फिलहाल आपको जस्ट इसी तरीके से इसका नाम लिखना है टू 12% डिबेंचर। देखो एप्लीकेशन आपके पास कितने की है, 5,60,000 की, डिबेंचर्स तो आपके पास सिर्फ 10,000 है और आप ₹40 के हिसाब से सिर्फ इसमें पैसा डाल सकते हो, क्योंकि ये इसे मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा क्या है और क्या नहीं है, तो यहां पर आपने 4,00,000 तो एडजस्ट कर लिए, बट अभी भी बहुत सारा पैसा एक्स्ट्रा है। देखो वो ये ना पैसा 1,60,000 की कमी, वो 1,60,000 यहीं पर है,
जो पैसा आपने एक्सेस में डाला हुआ है वो आप लिखोगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से, ठीक है, कितना 40,000। और तो जो पैसा आपने रिजेक्शन में लिखा है वो पैसा आप डालोगे बैंक में, क्योंकि वो पैसा आप करने जा रहे हो वापस। अब नेक्स्ट एंट्री आपको क्या करनी है भाई, डिबेंचर अलॉटमेंट के लिए, तो आपकी एंट्री जाएगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। अब आपके पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और 60 रुपीज की आपकी अलॉटमेंट है, तो यहां आ जाएगा 6 लाख रुपीज। फोर्थ एंट्री पैसे मिलेगी, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमें कहीं पे भी कॉन्सिनेरियस या कुछ ऐसी बात नहीं सुनने को मिली कि हमें पैसा नहीं मिला। दैट मींस हमें सारा पैसा डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पे मिल चुका है। अब हम देखेंगे हमें कितना पैसा मिलना था, हमें 6 लाख रुपए मिलने थे, 6 लाख में से 40,000 ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे, 5,60,000। तो हमने यहाँ पे 5,60,000 से एंट्री कर दी है, ठीक है। 6 लाख मिलने थे, 40 ऑलरेडी मिल गए, तो अब कितने मिलने चाहिए थे, 5,60,000। अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में इज द इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि वही वेंडर, हमने सामान खरीदा है, सामान के बदले में हम डिबेंचर्स दे रहे हैं, ठीक है। राय कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 2,20,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड अग्रीड टू मेक द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 2,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। राय कंपनी ने 2,20,000 रुपए का कोई एसेट खरीदा है किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है। अब किसी दूसरी कंपनी से खरीदा, इसका मतलब वो जो वेंडर कंपनी है उसका नाम नहीं पता हमें, तो ऐसे में हम क्या एंट्री करेंगे, पहली एंट्री ना तो हमें उन्होंने ये बताया कि एसेट का नाम क्या है, तो जब एसेट का हमें नाम नहीं पता तो आपने सिंपल लिख देना है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और वेंडर का नाम भी नहीं पता तो टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का एसेट खरीदा हमने, 2,20,000 का, ठीक है। और बदले में क्या दिया है, बदले में दिया है 2,000 डिबेंचर्स, उन्होंने क्लियरली हमें बता दिया कि 2,000 डिबेंचर दिए है, 100 रुपए का एक डिबेंचर है और 10% का प्रीमियम। तो अब हमें वो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एंट्री करते हैं। आप एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हम दे रहे हैं, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। यहां तो आप लिखोगे 2,20,000, 2,000 डिबेंचर्स गए हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो ये कितने के हो गए, 2 लाख के। 2,000 डिबेंचर है, 10 रुपए का प्रीमियम है तो ये हो गया आपका 20,000, तो कंप्लीट 2,20,000 आपके हो गए, ठीक है। करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 9 में मैं सिर्फ आपको इसका सेकंड पार्ट करा रही हूँ। इस तरीके से शेयर्स पार और प्रीमियम पर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट तीनों पर इशू किए जा सकते हैं। तो पार और प्रीमियम का केस तो हमें पता है, और अभी मैंने आपको वेंडर वाले केस में प्रीमियम का केस करा भी दिया है, तो हम डिस्काउंट का केस कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जीएस राय कंपनी लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू 99,000 फ्रॉम अनदर फर्म, इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब इस क्वेश्चन में 99,000 का हमने एसेट खरीदा है, बदले में अपने 11% डिबेंचर्स दिए हैं, कितने दिए हैं हमें नहीं पता, ठीक है। और अगर हम डिस्काउंट का केस कर रहे हैं सेकेंड वाला, तो डिस्काउंट पे दिए हैं 10% के, तो अब हमें एंट्री क्या करनी है, पहली एंट्री हमारी सेम रहेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने का एसेट खरीदा आपने यहां पर, 99,000 का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री में हम डिबेंचर्स दे देते हैं, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है इसलिए उसको हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है तो नुकसान को हमने क्या करना है, डेबिट। तो आप यहां लिखोगे डिस्काउंट ऑन
इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब आपको पता है कि कितने डिबेंचर्स इश्यू करेगा या नहीं, तो वर्किंग नोट में आप सबसे पहले लगाओगे फॉर्मूला नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यू। क्या क्या है फॉर्मूला? परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस पर डिबेंचर। अब यहां हमें कितना पैसा देना है उसको, 99,000। 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट। जैसे प्रीमियम आप प्लस करते हो तो डिस्काउंट को आप माइनस करोगे, तो ये आ गया आपका 99,000 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ आए हमारे पास 1100 डिबेंचर्स, तो यहाँ एंट्री हो जाएगी 1100 × 100, ये तो फेस वैल्यू से जाएगा 1,10,000। यहाँ आपने 99,000 लिखना ही है, और इधर आ जाएगा 1100 × 10 यानी के 11,000। तो देखो 1,10,000 आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वेंडर्स को डिस्काउंट पर भी डिबेंचर्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 करते हैं। अब तक हमने ये देखा कि वेंडर वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ एसेट परचेज कर रहे थे, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि हम किसी का बिजनेस परचेज करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे है कि अगर किसी का बिजनेस खरीदा जाता है तो कैसे एंट्रीज करनी है। तो क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000, मशीनरी वर्थ ₹1,40,000, टीचर वर्थ ₹10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटीज ऑफ ₹20,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹3,15,000। यानी के हमने XYZ कंपनी के एसेट्स लिए और उनकी लाइबिलिटीज भी ली 3,15,000 के कंसिडरेशन पे। यानी कि जो हमने पैसा देना है वो कितना देना है, 3,15,000। तो जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट करोगे और जो लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट करेंगे। तो देखो जरा क्या क्या लिया हमने उनसे। हमारे पास बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की थी बिल्डिंग, 1,50,000। उसके बाद मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 1,40,000। उसके बाद फर्नीचर है 10,000 और कुछ लाइबिलिटीज भी है। लाइबिलिटीज का लेकिन हमें नाम नहीं दे रखा, तो हम टू सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देते हैं। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देते हैं, कितने की लाइबिलिटीज है हमारे पास, 20,000 की। अब ये जो परचेज कंसिडरेशन लिखा है, परचेज कंसिडरेशन का मतलब है इतना पैसा हमने वेंडर को देना है, मतलब ये नेट इफेक्ट है बेसिकली आपका। XYZ कंपनी 3,15,000। अब एक बार जरा गौर करो, क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है? इधर है 3,35,000 और अगर आप इधर देखो तो दो, इधर है 3,00,000 और इधर है 3,35,000, तो कितने से डिफरेंस है, 35,000 से। कहां कमी आ रही है, डेबिट में। दैट मींस हमने उनका एक और एसेट परचेज किया होगा जिसका नाम है क्या, गुडविल। और ये निकाल रहे हो आप बैलेंसिंग फिगर से। देखो अब हमेशा अपने बात ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप बिजनेस खरीदते हो और आपकी लाइबिलिटीज एक्सीड कर रही है आपके एसेट्स को, तो आपने डिफरेंस गुडविल के नाम से डालना है। यानी कि आपने एक और एसेट खरीदा उनका गुडविल, लेकिन अगर कभी आपके एसेट एक्सीड्स कर जाए लाइबिलिटी को, यानी कि एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज में कमी आ रही है, दैट मीन्स उस बिजनेस को खरीदने में आपको प्रॉफिट हुआ है, और क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल रिजर्व में। यानी कि अगर डिफरेंस यहां आ रहा हो तो कैपिटल रिजर्व, यानी कि क्रेडिट का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में, डेबिट का डिफरेंस गुडविल में ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आगे की कहानी पढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे लिखा है, ब्लूप्रिंट लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। वो कह रहे हैं पैसा हम कैसे देते हैं, अपने डिबेंचर्स के थ्रू। तो कितना पैसा देना है, 3,15,000, बदले में क्या देने हैं, 12% डिबेंचर्स देंगे। और कैसे देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम पे देंगे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर मुझे तो नहीं पता कि कितने डिबेंचर्स हैं, फिर से हम निकालते हैं वही वाला फॉर्मूला परचेज कंसिडरेशन वाला, तो मैं डायरेक्ट निकालती हूँ, यहां पर फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। 3,15,000 रुपए देने आपने, उन्होंने कहा 100 रुपए का एक डिबेंचर है और प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम है हमारे पास 5%, तो यानी कि 5, तो
तो 3,15,000 डिवाइडेड बाय 105 कितने डिवेंचर आएंगे? 3,000। तो ये आया हमारे पास 3,000 डिवेंचर्स। तो आपने यहां पर लिखना है 3,000 × 100, ये आ गया 3,00,000। और यहां लिखोगे 3,000 × 5 यानी के 15,000, हो गए 3,15,000 कंप्लीट। तो बस अगर आप बिजनेस खरीदो तो इस तरीके से एंट्री करनी है, नॉर्मल एसेट्स खरीदो तो उसके लिए हम पहले वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कॉलेट्रल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। कॉलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है, जिसको अगर मैं बहुत सिंपली बोलूं तो एडिशनल सिक्योरिटी, कि जब हम किसी बैंक वगैरह से, कल से हमने लोन लिया है और बदले में हमें मॉर्टगेज करने पड़ रहे हैं अपने डिबेंचर्स, एक्स्ट्रा एडिशनल सिक्योरिटी। ऑलरेडी हम एक प्राइम सिक्योरिटी दे चुके हैं लेकिन उसके अलावा हमें एक सिक्योरिटी और देनी थी, तो उस एडिशनल सिक्योरिटी के लिए हमने कुछ और एसेट ना देकर अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे दिए, तो उसे बोलते हैं कॉलेट्रल सिक्योरिटी। तो कॉलेट्रल सिक्योरिटी को अपने बुक्स में लिखने के वापस दो तरीके हैं, एक है हमारे पास रिकॉर्डिंग मेथड और एक है हमारे पास नॉन रिकॉर्डिंग मेथड। ठीक है, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 को पहले देखते हैं कि कौन से मेथड से पूछ रहे हैं। मैं करा आपको इसमें दोनों मेथड दूंगी। ठीक है, सो अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹10,00,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक एंड इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹12,00,000 फॉर ₹100 ईच एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी। हमने लोन तो 10,00,000 रुपए का लिया है लेकिन बदले में 12,00,000 रुपए के हमने अपने डिबेंचर्स दिए हैं एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन हाउ विल यू डील विद द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो बताइए आप किस तरीके से अपनी बुक्स में डिबेंचर्स के साथ डील करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया कौन सा मेथड है, तो हमारी चॉइस है किसी मेथड से कर सकते हैं, बट मैं आपको दोनों मेथड करके दिखा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये दो मेथड है, एक रिकॉर्डिंग और एक नॉन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हम एक जर्नल एंट्री पास करेंगे उस चीज के लिए, और नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब है कि बिना जर्नल एंट्री के किस तरीके से हम कॉलेट्रल सिक्योरिटी को शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट मेथड में करा रही हूँ विदाउट रिकॉर्डिंग वाला। तो जैसे बैलेंस शीट का आपको जस्ट एक्सट्रैक्ट शो करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले भाई इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये है नॉन करंट लायबिलिटी हमारा मेन हेड, जिसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, नोट नंबर 1 डाल दिया। मेन का हमें नोट्स को अकाउंट्स में करना होता है। अब यहाँ हमने नोट नंबर 1 में लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पर आप डिटेल लिखोगे कि आपने जो लोन लिया है उसके बारे में। आपने यहाँ पर लोन लिया है पंजाब नेशनल बैंक से 10,00,000 रुपए का, तो आप लिखोगे लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। कितने का लोन लिया आपने, 10,00,000 रुपए का लोन। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ क्वेश्चन के अंदर। अब कहीं ना कहीं तो हम लिखेंगे ना कि भाई हमने अपने 12,00,000 रुपए के डिबेंचर्स दिए हैं। अगर हम कहीं भी नहीं लिखेंगे तो फिर क्या प्रूफ रहेगा। तो इसके लिए हम एंट्री तो नहीं कर रहे, बट हाँ हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशूइंग 12,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी। आपने ये बात ब्रैकेट में मेंशन कर दी कि भाई हमने जो 10,00,000 रुपए का लोन लिया है इसके बदले में हमने अपनी कंपनी के 12,000 डिबेंचर्स दिए हैं एज कॉलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, और तो कुछ नहीं था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, तो यहाँ पर टोटल आया सिर्फ 10,00,000 का। यही 10,00,000 आपने यहाँ पर लिख देने और आपका काम हो गया खत्म। बस फर्स्ट मेथड इतना ही है। अब सेकेंड मेथड की मैं बात करूं, जहां पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो वहां पर सबसे पहले आप एक एंट्री पास करोगे। तो एंट्री क्या पास करोगे, देखो आपने ना ये डिबेंचर से अभी उनको दिए हैं एज अ कॉलेट्रल सिक्योरिटी। इसके ऊपर उनका राइट तब आएगा जब आप लोन नहीं चुकाओगे और आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा पूरा नहीं होगा, तब ये वाली लायबिलिटी एक्टिव होगी। तो क्या इन डिबेंचर्स को देकर आपके पास कोई पैसा आ रहा है? आपने पब्लिक को थोड़ी इश्यू किया जो आपके पास पैसा आ रहा है, और अभी सस्पेंस में है कि ये यूज होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक अकाउंट, एक न्यू अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस। तो आपने एंट्री करी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कितने के? 12,00,000 के। अच्छा, अगर लोन की एंट्री करनी हो भाई, अगर सपोज वो आपसे पूछ रहे कि लोन की एंट्री भी करके दिखाओ, तो लोन की एंट्री तो आपको वैसे भी जनरल एंट्री करनी आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि लोन की एंट्री क्या होती है।
अब आपने ये एंट्री पास कर दी है कॉलेट्रल सिक्योरिटी के लिए, तो अब तो आपको इसको शो करना पड़ेगा। देखो बैलेंस शीट तो एज इट इज बनेगी, सेम बनेगी, बैलेंस शीट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने बैलेंस शीट का यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया, लिख दिया है, पर सेम फर्स्ट मेथड की तरह बिल्कुल यही बैलेंस शीट यहाँ पर बनेगी। बस नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ चीजें बदल जाएंगी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप लिखोगे लोन फ्रॉम वही पंजाब नेशनल बैंक 10 लाख। अब क्योंकि आपने यहाँ पर डिबेंचर्स शो कर दिए हैं, तो आप यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक और चीज लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 12,000 10% डिबेंचर्स एट द रेट ₹100 ईच। आपने दिखाया है कि आपने अपने 12 लाख के डिबेंचर्स इश्यू करें, बट क्या ये एक्चुअल में आपकी लाइबिलिटी है? हो भी सकती है, नहीं भी, हमें इसका इफेक्ट खत्म करना है। तो यहीं पर आप लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस को, ये जो आपने डेबिट में एक अकाउंट ओपन किया है इसी को आप यहां पर सेम अमाउंट से लेस कर दो, ताकि इन डिबेंचर्स का जो इफेक्ट है वो क्या हो गया है, निल हो गया। आपने शो भी कर दिया और उसका इफेक्ट भी नहीं आया, तो ये हमारा सेकेंड मेथड है, रिकॉर्डिंग मेथड। देखो बैलेंस शीट में अभी भी 10 लाख ही जाएंगे, तो बैलेंस शीट तो सेम बनेगी, सिर्फ क्या हुआ यहाँ हमने उसी चीज को ब्रैकेट में शो किया है, यहां पर हमने उसका डिस्क्लोजर कर दिया है, लेकिन उसका इफेक्ट कैसा हो गया, निल। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 15 का, वो है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स है रिडेम्पशन की, यानी कि हमने जब डिबेंचर्स को इशू किया तो उसी टाइम पे समटाइम्स हम रिडेम्पशन की जो टर्म्स है वो भी डिसाइड कर लेते हैं कि रिडेम्पशन कैसे होगा। अब रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रीपेमेंट। भाई अपने डिबेंचर्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि पैसा देके अपने डिबेंचर्स वापस लेने वाला, यानी कि जो पैसा आपने उधार लिया है वो उधारी का पैसा आप क्या कर रहे हो, वापस कर रहे हो, रीपेमेंट। सिंपल रिडेम्पशन का मतलब क्या है, रीपेमेंट। तो अब ये जो रिडेम्पशन है, ये जो रीपेमेंट है, ये आप सिर्फ दो तरीके से कर सकते हो, एट पार और एट प्रीमियम। कहने का मतलब है, अगर मैं एट पार की बात करूं तो आपने ₹100 उधार लिए थे, उस 100 के बदले में अगर आपको 100 ही रुपए देने पड़ रहे हैं तो वो एट पार है, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट अगर आपने ₹100 उधार लिए थे और उसकी जगह पर ₹110 देने पड़ रहे हैं तो इसे बोलते हैं रिडेम्पशन एट प्रीमियम। ठीक है, अब यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रिडेम्पशन पार पे है तो आपके लिए क्वेश्चन नॉर्मल है, उस एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप जैसे नॉर्मल डिबेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री करते हो, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर, सेम एंट्रीज रहती है, कोई फर्क नहीं आएगा एंट्रीज में। बट अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, फर्क तो पड़ेगा। क्या रिडेम्पशन डिस्काउंट पे होता है? क्या ऐसा होता है कि 100 की जगह पर 90 ही देने पड़े? ऐसा नहीं होता, रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पर नहीं होता। रिडेम्पशन सिर्फ दो ही तरीके से हो सकता है, या तो पार या फिर प्रीमियम। तो जब आप प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे होते हो तो आपने यहाँ पे क्या नोट किया, 100 की जगह पर ₹110 दे रहे हो, फायदा हो रहा है या नुकसान? नुकसान हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे है तो एक बात तो हमें पता चल गई कि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इन डिबेंचर्स को इश्यू करने में। भाई अगर आज हम इन डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हैं तो इन डिबेंचर्स को इश्यू करने पे हमें आगे जाके लॉस होने वाला है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि अगर आप ₹100 का डिबेंचर आज इश्यू कर रहे हो तो कल को उसके बदले में ₹110 देने पड़ेंगे। तो ये बात हमें पता चल गई कि लॉस होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, जिसको आप क्या करोगे, एंट्रीज में डेबिट। बट ये जो पैसा है ₹10 एक्स्ट्रा, ये अभी नहीं देना है, ये कब देना है, जब रिडेम्पशन होगा तब, यानी कि इन फ्यूचर। बट उस नुकसान को, उस लाइबिलिटी को आपको रिकॉर्ड आज ही करना है। तो ये नुकसान तो है ही ₹10 का, एट द सेम टाइम ये क्या है हमारे लिए, एक लाइबिलिटी भी है। तो लाइबिलिटी बढ़ने में क्या होती है, क्रेडिट। तो आप एक और अकाउंट ओपन करते हो, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, पूरे ₹10 से। यानी कि एक अकाउंट डेबिट में ओपन करना है, एक अकाउंट क्रेडिट में ओपन करना है विद द सेम अमाउंट, क्योंकि ये ₹10 जो एक्स्ट्रा है ये हमारे लिए नुकसान भी है, एट द सेम टाइम अभी फिलहाल ये हमारी लाइबिलिटी भी है। बात समझ आ गई है? तो जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा आपको इन दो अकाउंट के बारे में याद रखना, ये दो अकाउंट आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पार का केस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। जो रिडेम्पशन एट पार वाले केस है वो मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि उसमें एंट्रेंस में कोई फर्क नहीं है, हम करेंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम वाले केसेस। ठीक है, अब हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। पहला केस है इश्यू ऑफ रुपीज 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। इश्यू भी पार पे है और रिडीम भी पार पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पूरे 1,00,000 रुपए से, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर, टू 9% डिबेंचर पूरे 1,00,000 से, कोई एंट्री में डिफरेंस नहीं आया। सेकेंड केस इश्यू ऑफ रुपीज 1,00,000 डिबेंचर्स एट प्रीमियम ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट पार। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अब लेकिन 5% का प्रीमियम भी है तो 1,05,000 से एंट्री होगी क्योंकि प्रीमियम मिल रहा है आपको। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,05,000 टू 9% डिबेंचर 1,00,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000, कोई डिफरेंस नहीं आया। थर्ड केस इश्यू ऑफ 1,09% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार, फिर से रिडेम्पशन पार पे है तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 95,000 से, क्योंकि डिस्काउंट आपके अमाउंट को कम कर देता है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 95,000, डिस्काउंट में 5,000 और 9% डिबेंचर्स में 1,00,000। ठीक है, तीनों केस कंप्लीट। फोर्थ केस पे आते हैं। फोर्थ केस है इश्यू ऑफ रुपीज 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। अब इश्यू पार पर हुआ है बट रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, लेकिन वापस आपने 5% के प्रीमियम पे करना है। यानी कि किस्सा क्या है कि भाई 100 का डिबेंचर 100 पे ही इश्यू किया था तो इश्यू के टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट रिडेम्पशन के टाइम पे 100 की जगह पे 105 रुपए देने हैं, यानी कि रिडेम्पशन के टाइम पे लॉस है 5 रुपए का। ठीक है, तो अब पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी इस केस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि पार पर थे इशू तो 1,00,000 का 1,00,000 ही आ जाएगा। जो मेन डिफरेंस आता है वो सेकेंड एंट्री में आता है, तो सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो ये एंट्री आप अब तक करते आए हो, ठीक है, अलॉटमेंट भी 1,00,000 की है और डिबेंचर में भी 1,00,000 ही जाएगा, इन्हें कोई मतलब नहीं रिडेम्पशन में कुछ भी हुआ। अब मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो दो अकाउंट ओपन करने, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो दैट मीन्स जो आपको 5 रुपए का नुकसान हुआ है वो आप यहां लिखोगे एक नया अकाउंट ओपन करके, तो कितने का नुकसान हुआ आपको 5%, सीधे 1,00,000 का 5% निकाल लो 5,000, और यही नुकसान आपकी लायबिलिटी है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5,000, बस हो गया टैली। तो प्रीमियम से क्या इफेक्ट पड़ा, ये दो नए अकाउंट आ गए एंट्री में। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास सर इश्यू ऑफ रुपीज 1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% बट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन है, जब हम 100 वाला डिबेंचर इश्यू करने के लिए गए तो हमें 95 रुपीज मिले, पहला नुकसान इश्यू के टाइम पर ही हो गया, यहां पर भी हमें लॉस है। देखो डिस्काउंट भी तो एक तरीके का नुकसान ही है ना, और वो नुकसान कितने का है 5 रुपए का, और जब रिडेम्पशन करने के लिए गए तब भी हमें 100 की जगह पर 105 रुपए देने पड़े, तो यहां पर रिडेम्पशन के टाइम पर भी नुकसान हुआ और वो नुकसान कितने का हुआ 5 रुपए का। टोटल आपको नुकसान हुआ कितने का है 10 रुपए का। ठीक है, यहां हमें नुकसान 10 रुपए का हुआ है, एक नुकसान इशू के टाइम पे, एक नुकसान रिडेम्पशन के टाइम पे। तो सबसे पहली एंट्री किसकी होती है, इशू की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नुकसान हुआ है 5 रुपए का पर डिबेंचर तो 95,000 आ जाएगा यहाँ पे, यही 95,000 आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे लिखोगे। अब डिबेंचर्स में कितना पैसा जाएगा, भाई डिबेंचर्स में तो पूरी फेस वैल्यू जाएगी 1,00,000 की। अब बात आती है कि लॉस और प्रीमियम में कितना लिखना है,
आपको नुकसान हुआ कितना है पर डिबेंचर? 10 रुपए का। दैट मीन्स इस केस में आपके पास जो नुकसान है वो 10,000 का है, 5,000 का नुकसान है इश्यू का और 5,000 का नुकसान है रिडेम्पशन का। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 5,000। तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही नुकसान है। अलग अलग दिखाओ चाहे एक साथ दिखाओ, बात एक ही है। प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम तो सिर्फ रिडेम्पशन का ही है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 5,000 ही आएंगे। हो गए 1,05,000 कंप्लीट। सिक्स केस देखते हैं। इश्यू ऑफ ₹1,09% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब यहाँ पर केस क्या हुआ कि 100 रुपए का डिबेंचर जब आप इश्यू करने के लिए गए तो आपको 105 रुपए मिले, तो ये तो अच्छी चीज है। 5 रुपए का फायदा, और उस फायदे का नाम क्या है यहाँ पर? सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद जब आप रिडेम्पशन के लिए गए तो भी आपको 100 की जगह पर 105 रुपए देने पड़े। अब ये मैं सोचना कि ऊपर नीचे दोनों जगह अमाउंट सेम है, एक जगह 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो एक जगह आप 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो नेट इफेक्ट 0। ऐसे नहीं करना, दोनों का नेचर अलग है तो आपको उसको, और अलग अलग टाइम पे हो रही है वो चीज, तो आपको उसको रिकॉर्ड करके दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? सबसे पहली एंट्री पैसे मिलने की है, बैंक अकाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए आपके हाथ में? स्टार्टिंग में 1,05,000, यहां पर भी 1,05,000 आ जाएगा। अब इश्यू के टाइम का जो प्रीमियम होता है वो किस नाम से शो किया जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। तो आपने यहां पर एक और अकाउंट ओपन किया, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये 5,000 रुपए आप यहां लिखोगे। रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम कितना है? 5,000, और नुकसान भी कितने का हुआ आपको? 5,000 का। डिबेंचर्स कितने के थे? 1,00,000 के। हो गया कंप्लीट। बस आपने ध्यान रखना है कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, क्या केस है और कौन सा अमाउंट हमने कहां लिखना है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के कॉन्सेप्ट पे, यानी कि अगर आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़े तो कैसे एंट्री होगी। देखो, डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो इसीलिए क्या होगा? डेबिट। और ये एक्सपेंस हमने किसको पे करना होता है? अपने डिबेंचर होल्डर्स को, जिनसे हमने पैसा ले रखा है। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि डिबेंचर इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो लास्ट में एक और एंट्री हम पास करेंगे जहां पर इस डिबेंचर इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 3 एंट्री होती है अगर एक बार आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए आपको 3 एंट्री करनी होती है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, वो थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि ये रीप्रिंट होती है, एडिशंस कम ही हो पाते हैं, मॉडिफिकेशंस। यहां पर एक लाइन लिखी होगी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपको काम नहीं करना है, पहले वो टीडीएस का कॉन्सेप्ट आता था हमारा, अब वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। ए लिमिटेड इशू 2,010% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। केस पता चल गया, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो आप ये 2 एंट्री स्टार्टिंग की खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट की एंट्री कराऊंगी इस क्वेश्चन में। गिव द जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इशू की एंट्री आप खुद करेंगे। एंड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द पीरियड एंडेड 31st मार्च, assuming that interest was paid half yearly, वो कहते हैं हर 6 महीने में इंटरेस्ट देते हैं, तो एंट्री सेम होगी। पहले 6 महीने में 2 एंट्री, फिर लास्ट के 6 महीने में 3 एंट्री। ठीक है, क्योंकि जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे अमाउंट, वो 31st मार्च को करोगे। ठीक है, एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका आपको कुछ नहीं करना, सब काट दो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कुछ नहीं आपके लिए, अब नहीं करना होता ये। तो भाई पहली एंट्री क्या होगी? पहले 2016 सितंबर 30 को आप पहली एंट्री करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है ये पैसा? टू डिबेंचर होल्डर। कभी भी अगर चाहे डिबेंचर होल्डर का नाम भी दे रखा हो, आपने नाम इस्तेमाल नहीं करना, आप सिंपल लिखोगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक, अब आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? देखो, 2,000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, दैट मीन 2,00,000 रुपए के डिबेंचर है। ठीक है, तो डिबेंचर्स को है 2,00,000 रुपए के, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? हर डिबेंचर के आगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, कितना लिखा है यहाँ पे? 10%। तो इसका मतलब 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अप्रैल में इश्यू हुए हैं, तो पूरे 6 महीने ही अभी हमारे पास, तो कितना इंटरेस्ट आएगा आपका यहाँ पे? 10,000। ये आपने अभी इंटरेस्ट ड्यू किया है,
सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे, सितंबर 30 पे ही आप अगर इंटरेस्ट पे कर देते हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप एनसीईआरटी की एंट्रीज पर मत जाना क्योंकि वो पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग की हुई है, हम नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हमारा सीबीएसई का पार्ट है, सीबीएसई सिलेबस का पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो हमने सितंबर 30 की एंट्री कर दी, अब फिर से 6 महीने पूरे हुए तो मार्च 31 को आपने दोबारा से इंटरेस्ट ड्यू करना है, तो आप यहां एंट्री करेंगे फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, भाई वही सेम इंटरेस्ट ही बनेगा 10,000 यहां पर भी। फिर नेक्स्ट एंट्री आपको क्या करनी है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वही 10,000। अब लास्ट में एक और एंट्री पास करनी है जो हमने यहां नहीं करी, क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, प्रॉफिट एंड लॉस कब बनता है 31 मार्च को, तो एक और एंट्री आप मार्च 31 को पास करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, कितना डिवेंचर इंटरेस्ट पे किया आपने पूरे साल में, 10,000 का यहां पे किया और 10,000 का यहां, तो टोटल आपने पे किया है 20,000, टोटल आपने पे किया 20,000, तो वो 20,000 आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, बस यही है आपका डिवेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन 18 करते हैं, इसमें अनदर कॉन्सेप्ट आया, ये जो हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ओपन करते हैं या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन करते हैं, हमें इसे राइट ऑफ भी करना होता है, यानी कि हमें इसे खत्म करना होता है। अब इसे खत्म करने के लिए हमारे पास दो अकाउंट है, इन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास दो अकाउंट है जहां से हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। आप किसी पुरानी बुक में इसे कर रहे हो या कोई भी आपके पास अदर बुक है, ध्यान रखना कई बार किसी किसी बुक में जो पुराना कॉन्सेप्ट चलता था उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रखा होगा, न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही जगह से आप डिस्काउंट और लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, पहला है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, दूसरा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पैसा ना हो या इनसफिशियंट हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कहां से राइट ऑफ कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन देखते हैं है क्या, रोहित लिमिटेड हैड इश्यूड 50,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 9%। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक डिबेंचर इश्यू करे गए हैं 50,000 के, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स देख लेते हैं पहले कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, भाई 50,000 डिबेंचर्स है और ₹100 का एक डिबेंचर, तो टोटल कितने के हमारे पास डिवेंचर्स हो गए, 50,00,000 के, 50,00,000 के डिवेंचर्स हो गए। उन्होंने कहा स्टार्टिंग में जब आपने किया ना तो आपको लॉस हुआ है 9% का, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स हम देखना चाह रहे हैं, तो भाई सबसे पहले इश्यू के टाइम पे हमने डिस्काउंट अलाउड किया 9%, तो 50,00,000 का 9% कितना हुआ, 4.5 लाख, ठीक है, पहला नुकसान ये हुआ। आगे चलते हैं, आगे लिखा है द कंपनी हैज बैलेंस ऑफ ₹5,00,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है जिसके अंदर कितना पैसा उनके पास 5,00,000। पास जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू राइट ऑफ द डिस्काउंट या लॉस, जो भी आप नाम यूज करें, द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ 7%। एक और लाइन उन्होंने लिखी यहां पर कि आप जब रिडेम्पशन करेंगे ना तो वो भी 7% के प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि आपको प्रीमियम पे करना है एट द रेट 7% ऑन रिडेम्पशन, तो वो भी तो आपके लिए नुकसान होता है, तो 50,00,000 का 7% यानी कि 3.5 लाख टोटल आपको लॉस हुआ कितने का है, 8,00,000 का, जो आपको राइट ऑफ करना है। भाई पहली एंट्री इशू वाली वो आप सेम अपने आप करोगे, ठीक है, बैंक अकाउंट में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है, ये तो आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको राइट ऑफ की एंट्री बता रही हूँ। अब मैंने आपसे बोला कि नुकसान को राइट ऑफ आप दो जगह से कर सकते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना नुकसान है आपके पास, पैसा कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो 5,00,000 तो यहां से निकल जाएंगे, बचा वो 3,00,000 स्टेटमेंट से, तो हमारी एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी सिक्योरिटीज
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 लाख और दूसरा अकाउंट कौन सा यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 3 लाख। आपने अगर एंट्रीज करी होंगी तो सेकेंड एंट्री में आपने लॉस को डेबिट कर रखा होगा, उसे राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो उसे कैसे खत्म करोगे? क्रेडिट करके। तो टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 8 लाख। बस ये एक एंट्री पास करनी है। अब इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं डिबेंचर्स के, हमने डिबेंचर पूरा रिवाइज कर लिया है। अब ये जो हमने लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट पढ़े ना, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में 6 नंबर का इन 3 कॉन्सेप्ट से। कैसे? आपको पहली 2 एंट्री उसमें करनी होती है टर्म्स ऑफ इशू वाली, तो 2 नंबर उसके हो गए। फिर 3 एंट्रीज आपकी हो गई डिवेंचर इंटरेस्ट की, एंट्रीज हो गई डिवेंचर इंटरेस्ट की, 1 एंट्री हो गई आपकी लॉस ऑन इशू को राइट ऑफ करने की, तो हो गए पूरे 6 नंबर। तो इस तरीके से 3 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन वाला इक्वेशन भी आ सकता है जो 6 नंबर के लिए होगा। तो आपको 3 कॉन्सेप्ट को एक साथ भी रिवाइज करना है, 3 कॉन्सेप्ट यानी कि करने बहुत जरूरी है। ठीक है,